हेलो एवरीवन, चलिए आज क्या पढ़ने वाले हैं, ग्लूकोज की संरचना। ठीक है ना, तो ग्लूकोज आप लोग जानते हैं ग्लूकोज में कितने कार्बन रहते हैं, ग्लूकोज में 6 कार्बन रहते हैं। और ये जो ग्लूकोज होता है इसमें क्या होता है, आपका एल्डिहाइड समूह होता है, आपका ये CHO होता है। और सब क्या होते हैं आपके CHOH, ये 4 टाइम्स होते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2OH, यही आपका देखिए क्या है, ग्लूकोज है। अब देखिए ग्लूकोज को क्या कहते हैं, ग्लूकोज को एल्डोहेक्सोज कहते हैं। एल्डोहेक्सोज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड का समूह उपस्थित रहता है और 6 कार्बन है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एल्डोहेक्सोज। क्या कहते हैं इसको, एल्डो। एल्डो क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड समूह है और 6 कार्बन है, इसलिए इसको कहते हैं हेक्सोज, हेक्सोज। तो ग्लूकोज एक क्या है, एल्डोहेक्सोज है, ठीक है ना। और इसे क्या कहते हैं, इसे डेक्सट्रोज भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, डेक्सट्रोज भी कहते हैं। जो आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज तो ये तो आप जानते हैं, इसको ये क्या है आपका, एल्डोहेक्सोज है, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं, डेक्सट्रोज भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ग्लूकोज की जो संरचना होती है ये आपकी कुछ इस प्रकार रहेगी। ये आपका ऊपर वाला CHO समूह है, ठीक है। सेकेंड कार्बन हुआ, ये थर्ड कार्बन हुआ, ये 4 कार्बन हुआ, ये 5 और ये 6 कार्बन हुआ। तो जो लास्ट वाला कार्बन रहता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2OH, ये तो लगा रहेगा और यहाँ पे OH समूह लगा रहेगा। और यहाँ पे देखिए ये जो दो OH समूह रहेंगे इस साइड रहेंगे, और एक लास्ट वाला जो रहेगा ये भी क्या रहेगा, इस साइड रहेगा। और जो हाइड्रोजन रहेंगी ये आपके इस साइड रहेंगी, और केवल इसी में यही वाला समूह क्या हो जाएगा, इस साइड रहता है। यही क्या है आपकी ग्लूकोज की संरचना है, ठीक है। और यह देखिए जो आपका ग्लूकोज होता है, यह अनेक कार्बोहाइड्रेटों तथा जो आपके सेलुलोज होते हैं, स्टार्च होते हैं, सभी का क्या होता है, एक लक होता है। मतलब कि सभी का क्या करेंगे, जल अपघटन कराएंगे, तो आपको क्या होगा, आपका ये ग्लूकोज ही प्राप्त होगा। अब देखिए जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ये ग्लूकोज ही है, ठीक है। जो हमारी शरीर है, ये हमारे शरीर भी क्या है, ज़्यादातर ग्लूकोज है हमारे शरीर में भी, ठीक है। अभी देखिए इसको बताए थे, अभी आगे पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में ग्लूकोज किस रूप में होता है, ठीक है। अब चलिए देखिए इसकी जो संरचना होती है, ठीक है, ये किस प्रमाणों के आधार पर इसकी संरचना दी गई है। देखिए जो ग्लूकोज की संरचना होती है इसकी निम्नलिखित परमाणुओं द्वारा दी गई है, ठीक है ना। निम्नलिखित परमाणुओं के आधार पर ग्लूकोज की संरचना दी गई है। पहला देखिए क्या होता है, पहला तो ये इसका जो अणुसूत्र होता है, पहला देखिए आप जानते हैं इसका जो अणुसूत्र होता है ग्लूकोज का क्या होता है, C6H12O6। इसका क्या होता है, जो आणविक सूत्र होता है ये क्या होता है, C6H12O6 होता है, ठीक है। दूसरा देखिए क्या होता है, दूसरा इसकी संरचना, अब देखिए दूसरे में क्या करते हैं, जब आपके ग्लूकोज को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ लंबे समय तक गर्म करने पर, जब आपका ये ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज को किसके साथ कर रहे हैं गर्म, आप हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ लंबे समय तक गर्म करने पर यह क्या देता है आपका, हेक्जेन देता है, ठीक है। इसको क्या कर दीजिए, HI के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ लंबे समय तक गर्म करने पर यह क्या दे देगा आपका, N हेक्जेन दे देगा। यहाँ पे CH3 CH2 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 CH कितने कार्बन हुए, ये 6 कार्बन हुए, तो ये क्या दे रहा है, N हेक्सेन दे रहा है, हेक्सेन। तो अब इससे देखिए क्या पता चलता है, यह देखिए हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया कराने पर यह पता चलता है कि ग्लूकोज में आपके ये 6 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इसका लंबे समय तक गर्म कर रहे हैं, तो आपको क्या दे रहा है, N हेक्सेन दे रहा है। तो N हेक्सेन में कितने हेक्सेन है, तो इसमें देखिए 6 कार्बन है, तो जिससे यह आपको पता चलता है कि ग्लूकोज में कितने कार्बन होंगे, 6 कार्बन होंगे। तो यह अभिक्रिया ही बताती है कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन परमाणु उपस्थित रहते हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरा,
देखिए जो आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज किसके साथ करेगा, हाइड्रॉक्सिल एमीन, हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ क्रिया करके ऑक्सिम देता है। तीसरा नंबर आपका है ग्लूकोज, जो आपका ग्लूकोज होता है CHO CHOH, ये फोर टाइम रहेगा यहाँ पे CH2OH। ग्लूकोज जो होता है ये किसके साथ करेगा अभिक्रिया, हाइड्रॉक्सिल एमीन, हाइड्रॉक्सिल एमीन का सूत्र होता है यानी H2OH। देखिए क्या कर रहा है, ग्लूकोज है हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ क्रिया करने पर ये आपको दे देगा ग्लूकोज ऑक्सिम देगा CH डबल बॉन्ड NOH, और बाकी क्या रहेगा आपका ये CHOH, ये क्या रहेगा फोर टाइम्स रहेगा, नीचे आपका CH2OH ये देगा। तो यही क्या है आपका ग्लूकोज ऑक्सिम दे रहा है, ग्लूकोज ऑक्सिम क्या दे रहा है, ऑक्सिम, ठीक है। ग्लूकोज की अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं, इसका नाम है आपका हाइड्रॉक्सिल एमीन, हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ जब ग्लूकोज का अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या दे रहा है, ग्लूकोज ऑक्सिम दे रहा है, ठीक है। तथा अब देखिए इसी की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, इसी की अभिक्रिया कराएंगे हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जब कराएंगे तो ये क्या दे देगा, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन देगा, ठीक है, क्या देगा, साइनोहाइड्रिन। अब देखिए ये आप नोट कर लिए, तो अब इसकी अभिक्रिया केवल यही बता दे रहे हैं यहाँ पे, जब किसके साथ करा रहे हैं, इसकी अभिक्रिया HCN के साथ, HCN ये क्या है आपका हाइड्रोजन साइनाइड है, हाइड्रोजन साइनाइड से के साथ कराएंगे तो आपका यहाँ पे जो CHO समूह है ये क्या हो जाएगा आपका साइनाइड, ये क्या हो जाएगा लास्ट में ये CH है, एक तरफ CN जुड़ जाएगा और दूसरी तरफ क्या रहेगा OH रहेगा, और बाकी सब क्या रहेगा आपका सेम रहेगा, ये CHOH ये क्या रहेगा फोर्थ टाइम रहेगा, और यहाँ पे क्या होगा CH2OH, ये आपका ये क्या बन रहा है आपका साइनोहाइड्रिन देता है, ठीक है। तो पहला क्या हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ कराने पर ग्लूकोज ऑक्सिम देता था, दूसरा क्या है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ ग्लूकोज का अभिक्रिया करा रहे तो ये क्या दे रहा है साइनोहाइड्रिन दे रहा है। तो इससे देखिए यह पता चलता है कि ग्लूकोज में क्या होता है कार्बोनिल समूह उपस्थित हैं, क्या पता चल रहा है इससे, यह पता चल रहा है कि ग्लूकोज में इससे और इससे अभिक्रिया कराने पर तो आपके ये ऑक्सिम दे रहा और क्या दे रहा साइनोहाइड्रिन दे रहा, तो इससे यह पता चलता है कि ग्लूकोज में क्या है आपके कार्बोनिल समूह उपस्थित है, मतलब कि आपका जो क्या रहता है सी ये डबल बॉन्ड ओ समूह ये आपका उपस्थित है, ये अभिक्रिया से यही पता चल रहा है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह उपस्थित है, ठीक है। अब ये नहीं पता है कि कौन सा कार्बोनिल समूह उपस्थित है, एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। अब इसके लिए देखिए क्या करेंगे, आगे करेंगे रिएक्शन किससे कराएंगे। अब देखिए चौथा नंबर है जब ग्लूकोज को क्या करा दीजिए, अब देखिए क्या था एल्डिहाइड समूह उपस्थित था, अब कैसे पता करेंगे इसमें एल्डिहाइड समूह है कि कीटोन समूह है, इसमें आप ब्रोमीन जल के साथ क्या करा दीजिए अभिक्रिया करा दीजिए CH2OH, आपका क्या हो गया ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज की अभिक्रिया जब किसके साथ देखिए करा रहे हैं, दुर्बल अभिकर्मक के साथ, क्या है आपका Br2 जल, क्या ब्रोमीन जल के साथ क्या करा रहे हैं, ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या हो जा रहा है आपका जो आपका ये एल्डिहाइड समूह है, तो इसका देखिए क्या हो रहा है ऑक्सीकरण है, यहाँ पे दुर्बल ऑक्सीकरण है, तो इसको क्या कर दे रहे हैं ऑक्सीकृत कर दे रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे जो CHO समूह है ये क्या हो जाएगा COOH समूह ये बन जाएगा CHOH, ये क्या होगा फोर टाइम्स होगा, लास्ट में ये हो जाएगा CH2OH, ठीक है ना। तो देखिए जब ब्रोमीन जल के साथ ऑक्सीकरण से ये क्या हो रहा है इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ये दुर्बल ऑक्सीकारक है, जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या बन रही है ग्लूकोनिक अम्ल बन रही है, ठीक है। अब जिससे यह पता चलता है कि जो ये समूह है आपका इसमें एल्डिहाइड का समूह उपस्थित है, इसका नाम लिख लीजिएगा, इसका नाम है ग्लूकोनिक अम्ल, ठीक है।
ये आपका ग्लूकोज है। अब इससे देखिए यही पता चला कि क्या है, इसके अंदर ये आपके एल्डिहाइड समूह उपस्थित हैं। अब चलिए देखिए किसके साथ कराएंगे कि जो OH समूह है ये आपके कितने उपस्थित हैं। OH समूह ग्लूकोज में, इसको कैसे पता चलेंगे कि जो OH समूह है ये आपके कितने समूह, आपके OH समूह है, इसके नंबर क्या कर लीजिए, पांचवा नंबर है जो आपका। देखिए क्या होता है, ग्लूकोज होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, या फिर क्या करेगा, एसिटिक एनहाइड्राइड द्वारा एसिटिलीन से ग्लूकोज पेंटा, हाँ इस पांचवा नंबर देखिए लिख लीजिए, ग्लूकोज के एसिटिक एनहाइड्राइड द्वारा, ग्लूकोज है उसको उसके क्या करेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड द्वारा एसिटिलीन से ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बनाता है, ठीक है ना। जो देखिए यहाँ पे अभिक्रिया पहले बता दूं, फिर इसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा CHO फोर टाइम्स CH2OH, ये आपका ग्लूकोज है। किसके साथ करेगा, एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO ट्वाइस ओ, यही है CH3COO ट्वाइस, एक मिनट, इसका एसिटिक एनहाइड्राइड आपका एसिटिक एनहाइड्राइड CH3COO, ये ट्वाइस रहेगा, ये ओ, यही क्या होती है आपकी एसिटिक एनहाइड्राइड होती है। यहाँ पे ये सी डबल बॉन्ड ओ, या फिर एक ही रहेगा यहाँ पे, एक ही ओ रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, इसके साथ कराएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, हाँ क्या बनेगा, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बन जाएगा CH CHO, ये CHO सी डबल बॉन्ड ओ CH3, ये क्या बनेगा, फोर टाइम बनेगा, फिर लास्ट में ये CH2O सी डबल बॉन्ड ओ CH3, ये क्या है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाता है जब, हाँ। और ये इसका क्या नाम है, एसीटिक एनहाइड्राइड है, एसीटिक एनहाइड्राइड, जब देखिए ग्लूकोज को क्या करा रहे हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करा रहे हैं, तो क्या बन रहा है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बना रहा है, जो ग्लूकोज में पांच OH समूह की पुष्टि करता, मतलब यह बताता है कि ग्लूकोज में पांच OH समूह उपस्थित है। यह अभिक्रिया क्या बताती है, ग्लूकोज के अंदर पांच OH समूह क्या है आपके, उपस्थित है, ठीक है ना। और देखिए यह भी बताता है कि जो पांचों समूह है वो क्या है, भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु पर जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बताता है कि अब देखिए जो पांच OH समूह है, अब इसमें देखिए पता करेंगे कि आपका प्राथमिक अल्कोहल रहेगा, द्वितीयक रहेगा, या फिर तृतीयक अल्कोहल रहेगा, ठीक है। अब इसके लिए किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, छठवा नंबर है, देखिए इसका ऑक्सीकरण कर देंगे, ग्लूकोज का क्या कर देंगे आप, ऑक्सीकरण कर देंगे, ठीक है। पहला देखिए ये CHO है, CH2CHOH, इसका देखिए क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे, ठीक है, ऑक्सीकरण देखिए ग्लूकोज का करेंगे तो आपको क्या बन जाएगा, सैकेरिक अम्ल बन जाएगा, COOH ऊपर भी बन जाएगा, यहाँ पे CHOH, ये कितनी टाइम रहेगा, फोर टाइम रहेगा, नीचे भी क्या हो जाएगा आपका COOH, इसका देखिए क्या नाम है, सैकेरिक अम्ल, ठीक है। अब देखिए ये बनाया, अगर आपकी जो क्या थी, ग्लूकोनिक अम्ल थी, ग्लूकोनिक अम्ल का सूत्र क्या था आपका, COOH इस साइड CHOH, ये क्या था, फोर टाइम्स था, यहाँ पे CH2OH, ये क्या है आपका, ग्लूकोनिक अम्ल, और ये आपका क्या है, ये ग्लूकोज है। देखिए क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज तथा ग्लूकोनिक अम्ल दोनों ही क्या कर रहे हैं, नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण से एक क्या बना रहे हैं, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल बना रहे हैं, इसका भी देखिए ऑक्सीकरण कर रहे हैं, ठीक है ना, नाइट्रिक अम्ल द्वारा करा रहे हैं, HNO3,
यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, इसका ऑक्सीकरण करा रहे हैं, ऑक्सीकरण। तो क्या बना रहा है, किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, SNO3 द्वारा, ये नाइट्रिक अम्ल इसी के द्वारा करा रहे हैं। तो देखिए आपका क्या बन रहा है, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये देखिए दो कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है, ठीक है, जिसका क्या नाम है, सैक्रिक अम्ल है। तो देखिए यह क्या बताता है, ग्लूकोज में प्राथमिक अल्कोहलिक समूह उपस्थित होता है। यह देखिए अभिक्रिया क्या बताती है कि ग्लूकोज में जितने भी आपके समूह हैं OH के, ये क्या है, आपके प्राथमिक अल्कोहल है, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल समूह को प्रदर्शित करता है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे इसकी जो संरचना होती है, ठीक है ना, तीनों की यहाँ पे संरचना होती है OH समूहों के विभिन्न। जैसे ये ग्लूकोज है, ये सैक्रिक अम्ल है, और ये कौन सी है आपकी, ग्लूकोनिक अम्ल है, ठीक है। अब देखिए तीनों की संरचना हम फिर से बना दे रहे हैं, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। हाँ देखिए ग्लूकोज, पहले देखिए संरचना ग्लूकोज की होती है, यहाँ पे CHO रहता है, ठीक है, सेकेंड वाले कार्बन 6 कार्बन रहते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, ग्लूकोज की संरचना, ग्लूकोज की संरचना। लास्ट में देखिए सब में क्या जुड़ा रहेगा, CH2OH रहेगा। इसके बाद देखिए क्या लिखे थे, ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल में देखिए 6 कार्बन रहेगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, ये 6 कार्बन, लास्ट में क्या रहेगा, CH2OH, यहाँ पे भी जुड़ जाएगी, ये क्या आपका ग्लूकोनिक अम्ल, कोनिक अम्ल। अब देखिए क्या पढ़े थे, सैकेरिक अम्ल पढ़े थे ना, सैकेरिक अम्ल, सैकेरिक अम्ल में भी देखिए क्या था, 6 कार्बन थे, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें ऊपर भी OH समूह था, नीचे भी क्या था, OOH समूह था, इसमें भी OOH समूह था, ये क्या आपका सैकेरिक अम्ल है, सैकेरिक अम्ल, ये क्या है, सैकेरिक अम्ल का सूत्र है, ठीक है। अब देखिए जो OH समूह होता है इन्हीं को क्या करना है, आपके इस साइड रहेंगे कि इस साइड रहेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए पहले ग्लूकोज में यहाँ पे OH समूह पहला इधर रहेगा, दूसरा ये हाइड्रोजन रहेगी, और बाकी के दोनों ही क्या रहेंगे, इसी साइड OH समूह रहेंगे। लेकिन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ पे भी देखिए क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, इस साइड हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन रहेगा। तो ये सब क्या प्राथमिक अल्कोहल है, ठीक है, प्राथमिक, सॉरी ये जो OH समूह 1 डिग्री पे जुड़े हुए हैं। अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये OH समूह इस साइड है तो यहाँ पे भी OH इसमें यही रहेगा, और इसमें भी क्या रहेगा, वही रहेगा। अब देखिए इस साइड हाइड्रोजन था तो इसमें भी यही हाइड्रोजन, सेम ग्लूकोज, यहाँ पे क्या है, इसमें इस साइड हाइड्रोजन है तो इसमें भी क्या होगा, इसी साइड हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, इस साइड OH समूह है तो इस साइड क्या हो जाएगा, OH समूह। अब इसमें देखिए दोनों जो OH समूह है इसी साइड है, दाएं साइड है, तो इन दोनों में भी क्या रहेगा आपका, जो ग्लूकोनिक अम्ल है और ग्लू सैकेरिक अम्ल है, इसी साइड क्या रहेगा, OH समूह रहेगा। तो ये आपकी संरचना है, ग्लूकोज के संरचना के आधार पर ही ये ग्लूकोनिक अम्ल और सैकेरिक अम्ल की संरचना, केवल यहाँ पे CHO, ये CH2OH, ग्लूकोनिक अम्ल में क्या हो गया COOH, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का, इसमें क्या हो गया है, 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह जुड़ गया, तो ये क्या डाई कार्बोक्सिलिक यहाँ पे समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, आगे जो आपका क्या है, जो DDL है, ये ग्लूकोज का DL सिस्टम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, ओके, इस वीडियो में इतना ही, ओके, थैंक यू।